हेलो एवरीवन, मैं सुनील और आज हम लोग बात करेंगे ऑल न्यू टाटा एल्टॉस के एग्जेक्ट वेरिएंट के बारे में। तो बात कर लेकर इसके वेरिएंट्स की, तो 5 वेरिएंट्स में आपको टाटा एल्टॉस मिल जाती है, जिसमें एक्सी, एग्जम, एक्सटी, एग्जेट एंड एग्जेट ऑप्शनल 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन आपको इसकी साइड प्रोफाइल मिल जाती है, अलॉय व्हील्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे आपको इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ मिल जाती है इसकी की, स्मार्ट की, पीछे आपको टाटा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड बात कर लेकर इसके ट्रांसमिशन की, तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है टाटा अल्ट्रॉस। आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें पेट्रोल एंड डीजल इंजन मिल जाता है। 1.2 लीटर आपको पेट्रोल इंजन मिलता है एंड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवोट्रान डीजल इंजन। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की, एंड इसको ग्लोबल एंड कैप ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रखी हुई, तो अपने सेगमेंट की काफ़ी सेफेस्ट कार बन जाती है। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं एग्जेट वेरियंट में, एंड ये आप देख रहे हैं एग्जेट पेट्रोल वेरियंट। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है बड़ा सा। ब्लैक कलर की ग्रिल आपको ऑफर की जाती है इसमें। यहाँ पे क्रोम फिनिश देख सकते हैं, आपको फ्रंट में मिल जाता है, एंड 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल हो जाती है ऑल न्यू टाटा अल्ट्रॉस। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हाइलोजन, और यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है आपको। ये ब्लैक एलिमेंट मिल जाते हैं आपको इसके फ्रंट प्रोफाइल में लगे हुए, जो काफ़ी बेहतरीन लगेंगे। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी देखने को आपको मिल जाएगी। ये टोइंग हुक, और नीचे आपको एक कट देखने को मिल जाता है बम्फर में, जो उसको स्पोर्टी लुक दे देते हैं। एंड आपको इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। काफ़ी बेहतरीन आपको साइड प्रोफाइल मिल जाती है। बात कर ले डायमेंशन की, तो 3990 की आपको लेंथ मिल जाती है, 1755 mm की विथ मिल जाएगी, 1523 mm की हाइट मिल जाती है ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस की। यहाँ से जब आप इसको अनलॉक करेंगे, तो इसके ORBMs ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक करने फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाते हैं। ब्लैक पियानो फिनिश में आपको इसके ORBMs मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा, और इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, ORBMs में नहीं मिलेगी। टॉप एंड में आपको ORBMs में मिलती है। यहाँ पे आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, एंड रियर में नहीं मिलती। यहाँ पे आप इसकी टायर प्रोफाइल देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे शो हो रही है। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में एलिमेंट मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लगेगा, थोड़ा यूनिक बना देता है इसको। तो अब आप देख सकते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पूरी। ये आप देख सकते हैं इसके रियर व्हील, जो कि ड्रम आपको मिलता है, एंड 2501 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे फ्यूल फिल करा सकते हैं। 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। यहाँ से डोर ओपन कर सकते हैं, ऊपर से आप इसको ओपन करेंगे, स्विफ्ट की तरह दिया हुआ ये एलिमेंट। एंड ऐसे कुछ आपको इसकी बैक टेल लाइट मिल जाती है, एंड ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा इस पर। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, और नीचे उसके अल्ट्रॉस की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वाइफर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, यहाँ पे स्पोर्टी पैड आपको मिल जाते हैं, दो मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ऐसी कुछ है इसकी पूरी बैक प्रोफाइल, एंड आपको 1 नंबर की बिल्ड क्वालिटी इसमें ऑफर की जाती है ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस में। तो आइए देखते हैं और क्या क्या है बैक प्रोफाइल में इसके। तो यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, लाइट, और यहाँ पे आपको बैक कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरे की। यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ पूरा अंदर का इंटीरियर दिखेगा आपको बूट ओपन करने के बाद। एंड ये फोल्डेबल आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, और आपको इसमें 345 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ पे लैंप में मिल जाता है आपको बूट लैंप, 345 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे इस पर टायर मिल जाता है, जो 14 इंचेस का स्टीलियम आपको ऑफर किया जाता है इसमें। यहाँ पे टोइंग आपको हुक भी मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी आप सामान वगैरह अपना टांग सकते हैं। तो ऐसा कुछ था बूट स्पेसिस का, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। एंड अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो ये आप देख रहे हैं 1.2 लीटर रिवोट्रान पेट्रोल इंजन, जो 1199 cc 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। 86 bhp की पावर मिलता है, एंड 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, एंड 19 से 20 का माइलेज मिल जाएगा आपको।
डीजल लेते हो तो आपको 25 का माइलेज मिल जाता है, उसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज वोल्टन पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है जो 90 PS की पावर एंड 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो अब आइए चलते हम लोग अंदर, देखते हैं इसका इंटीरियर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन आपको ऑफर किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डुअल टोन में पूरी आपको डोर मिल जाती है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे ORBM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ आपको डोर ओपनर, एंड उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे आएंगे तो आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगी एंड कुछ स्पेस यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो काफ़ी बेहतरीन आपको इसका डैशबोर्ड दिखेगा इंटीरियर डुअल टोन में, काफ़ी प्रीमियम लुक है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हाइट एडजस्टेबल एंड सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज में, इसमें सिंगल टोन एंड डुअल टोन दोनों कलर मिल जाएंगे। डुअल टोन लेते तो 15,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो बैठ चुके हैं, देखते हैं इसका पूरा इंटीरियर एंड डैशबोर्ड। ये लाइट देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन प्रीमियम लगती है देखने में, जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं जलने लगती है। तो अब आइए देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसा कुछ आपको इसका मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन। तो लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है एनालॉग स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट साइड आपको RPM मिल जाता है एंड फ्यूल गेज वगैरह काफ़ी सारी चेक लाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी इसमें, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है, लेदर रैप आपको स्टेयरिंग ऑफर की जाती है इसमें। एंड इधर आपको इन्फोटेनमेंट, कॉल और म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी आपको टाटा की, एंड इधर कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू टाटा अल्टोस, काफ़ी बेहतरीन आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है इसमें। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हर्बन का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड ये एंड्रॉयड रेट्रो ओपल कार पे सब सपोर्टेड होगा। 4 स्पीकर प्लस 4 ट्विटर आपको दिया जाता है इसमें, काफ़ी बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है इसमें। यहाँ पे AC vents, 1000 लाइट देख सकते हैं। क्रोम फिनिश के साथ आपको AC vents मिल जाते हैं ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस में। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम वगैरह के और कुछ कंट्रोल्स। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB का पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ भी आप सामान अपना रख सकते हैं। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल का ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, AMT का ऑफर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आप इको स्पोर्ट कोई भी मोड लगा के चला सकते हैं। यहाँ 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, ये आप स्लाइडिंग वाला आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसको आगे पीछे आप खिसका सकते हैं। ये हैंड ब्रेक, तो ऐसा कुछ यहाँ पे AC vents मिल जाता है लेफ्ट वाला, काफ़ी बेहतरीन डैशबोर्ड देख सकते हैं, डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स एंड लैम्प भी मिल जाएगा आपको, रीडिंग लाइट मिल जाती है इसमें, सॉरी रीडिंग लाइट बताऊँ, लाइट मिल जाएगी आपको ग्लव बॉक्स में। काफ़ी बड़ा सा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ऐसा कुछ लेफ्ट वाला डोर मिल जाता है जिसमें पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर मिल जाता है, ऊपर एक ग्रैप हैंडल, पीछे कुछ ऐसा दिखेगा आपको पूरा इसका कैबिन। तो काफ़ी प्रीमियम आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस में एंड ग्लोबल एंड कैम ने इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रखी हुई, तो काफ़ी सेफेस्ट कार बन जाती है अपने सेगमेंट की। यहाँ पे आपको डे नाइट IRVM मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट, यहाँ पे भी आप अपना सनग्लास वगैरह रख सकते हैं एंड जस्ट यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर माइक मिल जाएगा आपको। इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड, इधर सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। देखेंगे तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने इंजन को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन आपको डैशबोर्ड इसमें ऑफर किया जाता है। तो ऑफ कर देते हैं इंजन को और चलते हैं हम लोग बाहर, बैठते हैं पीछे वाली रो पे, देखते हैं कैसे क्या कंफर्ट एंड कैसे क्या स्पेस मिलता है पीछे वाली डोर में। तो इसको यहाँ से आप अपने डोर को ओपन कर सकते हैं ऊपर से, जैसे स्विफ्ट में मिलती है डोर वैसी सेम इसमें आपको मिल जाती है डोर ओपनर। तो ऐसे कुछ आपको डोल टोन में इसकी डोर मिल जाएगी, इसमें पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे डोर ओपनर, जस्ट उसके बगल में ट्विटर की प्लेसमेंट, ये पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, कुछ स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट, ऐसा कुछ अंदर का पूरा कैबिन आपको दिखता है। तो आइए बैठ के देखते हैं। तो काफ़ी प्रीमियम फील आएगा आपको पीछे बैठने के बाद, जो इसको डैशबोर्ड दिख रहा है, लाइटिंग सिस्टम जो देख रहे हैं, एक यूनिक लुक दे देता है इसको। तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए AC vents ऑफर किए गए हैं टाटा अल्ट्रोस में, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऐसी कुछ डोर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली, ऊपर ग्रैप हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे जिस पे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं एंड बेहतरीन आपको लेग स्पेस मिल जाता है
हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कुछ था इसका अंदर का पूरा कैबिन। एंड बात करें अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की, तो 5,94,000 से इसका एक्सी बेस वेरियंट स्टार्ट होता है, 8,45,000 तक जाता है टॉप वेरियंट इसका। अब बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS विथ ABD, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इंपैक्ट डोर लॉक एंड और काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉज में। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।